जोधपुर शहर जो कि अपना पवित्र शहर है, जटे लोग पड़ोस री बच्ची ने भी अपनी बच्ची माना करे। घर वाला रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस थाना में, लेकिन बच्ची रो तो पतो नहीं तो है ना, जैसा अब शायद कोई विश्वास नहीं करे, शायद पड़ोसी भी नहीं करे, पता नहीं कीकर करके उन्हें पोटार अंदर ले जावे। अंदर जो है आप तो क्यों यहाँ फांसी पर सीधो लटका दे, कोई ट्रायल नहीं होनी चाहिए। बच्चा सेफ नहीं है यहाँ पे, और मैं क्या, मेरी बेटी भी सेफ नहीं है। यहाँ कोई भर्ती मरीज या किसी भर्ती मरीज से के लिए तीमारदारी में आई हो ऐसा भी नहीं है। खमागढ़ी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में, आप दोस्त दीपक, आप इन वक्त देख रहे हो झलको जोधपुर चैनल। और अबार मैं हूँ महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर, जोधपुर शहर के नामी हॉस्पिटल है वो, अठे कई तरह का इलाज हुआ करे, हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अठे आपने मिलेला। लेकिन आपने बता दू, इन हॉस्पिटल में पहले ऐसी वारदात नहीं है जो इन बार हुई है। मामलो आपने बता दू कही है, मामलो यो है, रविवार के समय जोधपुर की एक बच्ची जो कि 14-15 साल की बताई जा रही है, घर परिवार वाले से नाराज होके घर से निकल गई थी। उन्हें बाद घर वाला रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस थाना में, लेकिन बच्ची रो तो पतो नहीं तो बताया जा रहा है कि बच्ची जो है अटे वेटिंग हॉल में इंतजार कर रही थी, कोई उन्हें अटे छोड़ के गए थो। उन्हें बाद दो सफाई कर्मचारी उन बच्ची से मिले है, बच्ची से बातचीत करे, उन्हें खानो वानो भी खिलावे, और पता नहीं कीकर करके उन्हें पोटार अंदर ले जावे। अंदर जो है आपने बता दू कॉटेज के पीछे की तरफ जो है डंपिंग यार्ड है, उन डंपिंग यार्ड में ले जावे और रात्र समय उन्हें साथ गलत हरकत करे, यानी कि रेप रो मामलो सामने आ रहे है। आपने बता दू कि सुरक्षा की नजर से कितनी सेफ्टी है आप खुद देख सको, उन जगह पे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। हाल ही में कोलकाता के अंदर एक रेजिडेंट डॉक्टर साथ है जो वारदात हुई है, उन्हें बात तो सारा हॉस्पिटल ने सचेत हो जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब कब तक पकड़ी जावे फिलहाल कुछ कह नहीं सका। लेकिन हाँ, आप जोधपुर शहर के अंदर बीते कुछ समय के अंदर 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप हुए है, और भी कई तरह सा रेप रो मामले सामने, प्रताप नगर के अंदर भी आए छेड़छाड़ मामलों। तो ये वारदात क्यों बढ़ रही है, आखिर क्यों इतनी हैवानियत बढ़ती जा रही है लोग आ रही? मन अड़ो लगे सर, सब ज्यादा नशे रो कारण है, और कुछ जो लोग विश्वास कर और विश्वास बना और जो चोट कर रहा है ना, जैसा अब शायद कोई विश्वास नहीं करे, शायद पड़ोसी भी नहीं करे अब, और सब मोटो और मोटो कारण मने नशो जो अब जोधपुर में आप खुद देखे होला, जगह जगह नशेरा घर बने अटे तक भी आप रात भी देखता होला, दुकान बंद हुई बच्चे भी नशा चले, तो उन सब मोटो कारण मना वो लगे सर। पुलिस प्रशासन क्या करेगी, पकड़ के ले जाएगी, उसके बाद में कुछ नहीं होना है, 2 टाइम की वो खाना खाएंगे और अंदर मजे से रहेंगे, इनको पब्लिक हवाले करो, पुलिस प्रशासन से ये कहना है, बच्चा सेफ नहीं है यहाँ पे, और मैं क्या, मेरी बेटी भी सेफ नहीं है, मैं तो ये बताना चाहता हूँ। जब मैं उसके ऊपर इतनी रोक लगा रहा हूँ आज 3 साल की बच्ची के ऊपर, तो सोचो कि 18-18 और 19-19 साल की बच्चियां काम कर रही है, उनके ऊपर कितनी रोक लगानी चाहिए, बस मेरा यही मानना है सर। फिलहाल आप देख सको जोधपुर की जनता भी नाराज है इन बात से, और लगातार इन तरह हरकत जो है बच्ची के साथ हो रही है, सेफ्टी नामरी चीज नहीं है। मुझे जी खबर आपने सुनवा आई है कि अठे इन हॉस्पिटल में पीछे जो डंपिंग यार्ड है उठे कोई बच्ची के साथ गलत हरकत करी गई है। मन ध्यान नहीं समय तो आज घर आई था पड़ी जंग में हट दी, क्या मालूम नहीं है मेरे को। आप कितना समय से काम कर रहे हो उठे? मैंने 32 साल हो गया। तो आपने ध्यान ही नहीं है? मैं तो घर बैठती हूँ सर, 2 महीना हो गया घर, छोड़ दियो काम, 2 महीना हो गया, ठेकेदार काम पे नहीं ले रहे बैठे रहे। गार्ड साहब हमारे साथ में, आपका शुभ नाम? भगवान पुरोहित। भगवान जी आपसे मैं जानना चाहूँ कि एक खबर सुनवा आई है कि हॉस्पिटल में जो डंपिंग यार्ड है, उन डंपिंग यार्ड में जो है सफाई कर्मचारी है दो, वे एक बच्ची ने लेन गया था, उन्होंने साथ गलत हरकत करी है, आपने कितनी जानकारी कुछ बता सको इन बारे में? मैं नाइट ड्यूटी पे तो रहता नहीं हूँ, दिन पे जो सुना यही सुना जो आप बता रहे हो, मुझे दो जने ले जाके उसके साथ कोई गलत काम किया। तो वे दो जना है जो है मतलब नया लग गया था, काफी समय से काम कर रहा था, 5-6 महीने से थे, 5-6 महीने कर रहा था। इन तरह पहले कभी कोई वारदात हुई है हॉस्पिटल में? गांधी में आज तक नहीं हुई, लगातार इन तरह बच्चिया साथ जो हो रहे है, बार कोलकाता के अंदर हॉस्पिटल के अंदर भी एक रेजिडेंट डॉक्टर साथ हुए है, इन बारे में आपने कई क्यों, इन बारे में लोग जो किन तरह सोच रहा लोग हो गया कि लोगों में मानसिक विकृति आएगी है साहब,
लोगारी सोच इतनी गंदी हो गई है कि वे कोई रिश्ता कोई डर कोई भय नहीं है हमारे अंदर और एकदम निडर होगा इन तरह का काम कर रहा है। मैं तो क्यों या ना फांसी पर सीधो लटका दे, कोई ट्रायल नहीं होनी चाहिए, सीधी सजा होनी चाहिए, या ना अभी ने कोर्ट में ले जाओ ट्रायल करो, बरसों बरस बीत जावे जीते तो सजा ही ढीली पड़ जावे, इन वास्ते या ना तो तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तो इन वक्त मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हूँ, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सर हमारे सामने है, सर से जानकारी लेने वाला कि जो सोमवार रात में जो वारदात हुई उन बारे में सर आपने क्या कहना है। मुझे भी इस घटना की जब जानकारी मिली तो वास्तव में बहुत दुख हुआ, क्योंकि जोधपुर अपनायत का शहर कहा जाता है और उसमें कोई अननोन अनजान व्यक्ति भी आता है उसको भी घर जैसी अपनायत मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जो घटनाएं हो रही है वास्तव में विचलित करने वाली है और इस अस्पताल परिसर में ऐसी घटना हुई ये मेरे लिए और भी पीड़ादायक है। जो दो कर्मचारी बताए जा रहे हैं वो अस्पताल के कोई नियमित कर्मचारी तो नहीं है, ठेका फर्म ने कभी कभार उन लोगों को काम में लिया है, कहते हैं कि उनके भी नियमित नहीं है, लेकिन जब कोई कर्मचारी एब्सेंट होता है तो उसकी जगह उनको काम में लिया होगा। और जो लड़की बताई जा रही है वो यहाँ कोई भर्ती मरीज या किसी भर्ती मरीज से के लिए तीमारदारी में आई हो ऐसा भी नहीं है, बाहर से ही कहीं से आए हैं। और जैसे ही मेरे को जानकारी मिली जगह की तो वहाँ जाके मैंने खुद ने देखा कि ऐसे क्या कारण है कि उस जगह का दुरुपयोग किया गया। तो वहाँ लाइट्स वगैरह प्रॉपर है और फिर भी मैंने कहा अस्पताल परिसर में और कहीं पे भी अगर लाइट्स की कोई कमी है, वेटरन को कहा कि सब जगह घूमकर एक बार देखें, जहाँ लाइट नहीं लगी हुई है या है पर बंद है तो उनको तुरंत सुचारू किया जाए, और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो सब जगह अपनी नज़र रखे, ऐसा नहीं कि वो जहाँ खड़ा है वहीं ध्यान रखे और आसपास में कोई घटना हो रही है, इस तरह की बड़ी घटना घटित हो जाती है और ध्यान ही नहीं रहे, तो उनको भी पाबंद किया है। इसके साथ ही हमने एक कमेटी बनाई है जो ये सुझाव देगी कि अस्पताल में चिकित्सकों के लिए, मरीजों के लिए और उनके जो भी तीमारदार वगैरह आते हैं उन सभी के लिए सुरक्षा के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये इस तरह के 3 दिन में वो जैसे ही देंगे तो हम उनको भी लागू करेंगे ताकि अस्पताल में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। इसके साथ ही अस्पताल के चारों तरफ कुछ झुग्गी झोंपड़ियां और कच्चे इस तरह के बने हुए हैं, कुछ अवैध जो चाय की थड़ी वगैरह भी है वहां से भी कहते हैं कि कुछ अवांछित गतिविधियां होती है, तो उसके लिए पुलिस कमिश्नर साहब को हमने सूचित किया है कि उन लोगों को यहाँ से हटाया जाए ताकि इस तरह की कोई गतिविधि फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, जिन जगह जो वारदात हुई है डंपिंग यार्ड में एक नाबालिग बच्ची के साथ में जी, तो उन एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे फुटेज मिला हो? वो एग्जैक्टली उस प्लेस पे तो नहीं है, लेकिन उससे जस्ट पहले सीसीटीवी है तो उससे हम जानकारी ले रहे हैं, सारे फुटेज पूरे अस्पताल के खंगाल रहे हैं कि और कहां का किस जगह पे कौन गया है क्या हुआ उस समय, तो वो हम जानकारी ले रहे हैं। बच्ची संडे ने घर वाले से नाराज होके निकल गई थी और कुछ ये भी खबर सामने आई कि कोई लड़को जो है उन बच्ची ने छोड़ कर गया जी, और बच्ची जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और काफी समय से वेटिंग हॉल में वेट कर रही थी और उठी जो सफाई कर्मचारी है वे उन्हें खाना वाना खिलाया है, उन्हें बाद उन्हें डंपिंग यार्ड में लेने गया है, तो कोई भी व्यक्ति अगर वेटिंग हॉल में बैठा है तो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाया करे कि मतलब कौन है, कटस आया है, किन इंतजार कर रहे हैं? इतने सामान्यतः इतने सारे मरीज और उनके रिश्तेदार होते हैं तो एक एक का विशेष करके उनके रिश्तेदार या उनसे मिलने जो भी आए हैं उनके बारे में जानकारी रखना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आगे से इस तरह का भी हो, उनको जो कार्ड दिए जाते हैं वो प्रॉपर कार्ड सभी के पास हो, उन्हीं को एंट्री मिले, हर किसी को नहीं मिले, ये भी पालन करेंगे। सर, रिसेंट में कोलकाता के अंदर एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो वारदात हुई है, उन समय हॉस्पिटल में उन वक्त कोई नहीं, तो रात के समय की बात है और सीसीटीवी कैमरा से फिलहाल कुछ पता चल पाया है, लेकिन इन तरह की वारदात महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ना हो तो सुरक्षा की नज़र से आपने कही क्यों नहीं बारे में? सुरक्षा के लिए हमने सीसीटीवी कैमरा के अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स हर वार्ड के आगे सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं, रात में भी रहते हैं और 24 आवर्स रहते हैं, इमरजेंसी में भी रहते हैं, और उसके अलावा कैंपस में भी कुछ लोगों को रख रखा है जो घूमते रहते हैं। उसके अलावा हमने अभी जो कमेटी बनाई उसका यही काम होगा कि इसके अलावा हमें और अतिरिक्त कितने सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत है, कोई जगह ऐसी तो नहीं है जो पॉकेट खाली रह गया हो जहाँ
नहीं देखा जा रहा है, तो इस तरह के भी अगर लोग आएंगे तो एक्स्ट्रा सुरक्षा गार्ड हम और लगवाएंगे। जो सुरक्षा कर्मी था वे रेगुलर जॉब कर रहा था या फिर वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था? नहीं, सुरक्षा कर्मी सारे रेगुलर ही यहाँ जॉब कर रहे हैं, कुछ एक सिक्योरिटी फर्म को दिया हुआ, बाकी एक्स आर्मी पर्सन है और होमगार्ड है, तो वो सभी लोग रेगुलरली। एक महीना के अंदर जोधपुर में लगातार तीसरी चौथी वारदात है जो कि हुई है, पहले 3 साल की बच्ची के साथ में जो हुई है, उन्हें बाद अबार जो हुई है, इन रेप वाला मामला पर आपने कहीं कहना है कि किन तरह की मेंटेलिटी का लोग हुआ करे लोग? ये तो वास्तव में बहुत ही विचार करके और किए जाने वाली बात है कि इससे हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये पूरे समाज की पीड़ा है और जिस तरह से समाज एक डायरेक्शन में जा रहा है, खास करके हमारा मोबाइल है, इंटरनेट है, जिससे प्राइवेसी तो मिल रही है लेकिन इस तरह की प्राइवेसी जो यूथ नहीं समझता है उसका मिसयूज कर रहा है। पोर्न आपको हर समय 24 आवर्स उपलब्ध है, प्राइवेसी आपको घर में उपलब्ध है, बाहर उपलब्ध है, नेट इतना सस्ता हो गया है। सेकंड, घरों में हमारे जो संस्कार की है वो पद्धति खत्म होती जा रही है, स्कूल में भी हम केवल एजुकेशन पे फोकस करते हैं, पढ़ाई और नौकरी किस तरह से मिलेगी उसी बात पे फोकस करते हैं, जो नैतिक शिक्षा जो दी जाती थी वो लगभग अब बंद सी हो गई है। तो वेस्टर्न की तरफ हम बहुत सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं, तो उनकी कुछ फायदे हैं तो उनके कुछ नुकसान भी हम हमारे समाज उठा रहा है, तो इस पर बहुत सोच विचार करके समाज को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही हम जिसे कहते हैं रसातल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तो 2-2 साल की बच्चियों के साथ में रेप जो आप अपनी गोद में खिलाते हो उसके साथ में ही आप इस तरह का कार्य करते हो, तो ये बहुत ही दुखद है और निकृष्ट कार्य है। सर, कुछ इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कुछ बात पता चली आपने? नहीं, वो पुलिस का कार्य है और उसमें बहुत ज़्यादा ना तो मैंने उनसे पूछताछ की और ये कार्य उन्हीं का है तो उनसे ही जानकारी मिल पाएगी। कल शाम को SHO सागर ने सूचित किया था कि कोई एक MPR दर्ज हुई, वो गुमशुदगी की FIR दर्ज थी, उसमें फिर वो बच्ची यहाँ आ गई थी MGS हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद में कुछ लोगों ने, 2 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया, तो FIR दर्ज करके उसमें सारे वो मेडिकल वगैरह करवाया गया, 161 के अभियान वो करवा दिए और मौका नक्शा की कार्रवाई हुई है FSL की टीम बुला करके। जो FSL की टीम ने बताया कि ये साक्ष्य कलेक्ट करने हैं, वो नियमानुसार कलेक्ट किए गए हैं, आगे की कार्रवाई की गई, उनके तलाश जारी है। सुबह ही SHO कल शाम को ही बोल गया था कि उनको दस्तियाब करके पेश करें, और तो पकड़ने के लिए दस्तियाब करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और वो टीमें लगी हुई हैं पकड़ने के लिए। जोधपुर शहर जो कि अपनायत्र शहर है, जटे लोग पड़ोसरी बच्ची ने भी अपनी बच्ची मान्या करे, चाहे वो की भी धर्म या किन्नी भी जात रही हो, लेकिन उन शहर में जब इन तरह के अपराध बढ़ रहे हैं तो कानून ने जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो सरकार है सरकार ने सख्त कदम उठाना चाहिए। फिलहाल मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक, चलको जोधपुर से, धन्यवाद। और कॉमेंट करो कि जो मुजरिम है उन पर कई कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद।